मिशन दक्षिण पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नजर। आज तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज, एनडीए पर साधेंगे निशाना। अयोध्या विवाद पर आज फिर होगी मध्यस्थता कमेटी की बैठक। कमेटी ने बातचीत के लिए 25 लोगों को बुलाया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ होगी चर्चा। यूएनएससी में आज होगा आतंकी मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर फैसला। फ्रांस के प्रस्ताव को अमेरिका और ब्रिटेन का मिला है समर्थन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर। उम्मीदवारों के चयन के लिए सूबे में आज होगी बैठक। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच जल्द होगा सीटों का बंटवारा। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा बोले, आपसे सहमति से बांटेंगे टिकट। मध्य प्रदेश में मिशन 29 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। पूर्व सीएम शिवराज सिंह के ताबड़तोड़ दौरे जारी। आज शिवपुरी में विजय संकल्प रैली करेंगे शिवराज। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। हाथरस से रामजी लाल सुमन और मिर्जापुर सीट से राजेंद्र एस बिंद को मैदान में उतारा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का इशारों में मोदी सरकार पर निशाना। कहा, लोगों को अवसर नहीं मिल पाने के कारण पूंजीवाद खतरे में। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्रिकेटर गौतम गंभीर। नई दिल्ली सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी ने कहा, मौका जरूर देंगे। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दिल्ली में होगा आखिरी वनडे। भारत के सामने करो या मरो की स्थिति। 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबर हैं दोनों टीमें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।